हेलो एवरीवन आज है थर्सडे अप्रैल फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंग्लिश वोबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ एडॉप्ट ए डी ओ पी टी एडॉप्ट के दो मीनिंग होते हैं फर्स्ट मीनिंग है टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम और हर एज़ योर ओन चाइल्ड बाय लॉ किसी बच्चे को कानूनन गोद लेना यानी कि कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेना उसे अपनाना एडॉप्ट करना सो so, ये है एडॉप्ट का फर्स्ट मीनिंग सेकेंड मीनिंग है टू टेक एंड यूज समथिंग किसी विधि को अपनाना यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप डेली पार्क जाने की या एक्सरसाइज करने की एक हैबिट को हेल्दी हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं अपना रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं सो so, ये है अडॉप्ट के दो मीनिंग इसे हिंदी में कहते हैं गोद लेना अपनाना या ग्रहण करना सो आई होप कि आपको एडोप्ट का मीनिंग तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एडॉप्ट सिनोनिम्स ऑफ एडॉप्ट आर एक्सेप्ट टेक एम्ब्रेस टेक ओवर एंड टेक ऑन अब देखिए एडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है कि किसी बच्चे को गोद लेना कानूनन रूप से या फिर किसी चीज़ को कोई विधि को अपनाना सो so, उसका ऑपोजिट क्या होगा अपनाने का ऑपोजिट क्या होता है त्याग देना छोड़ देना सो एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ एडॉप्ट आर अबेंडन अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना रिजेक्ट रिफ्यूज़ एंड डिनाई सो दीज ऑल आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एडॉप्ट Now example sentences. First sentence is we are planning to adopt a child. हम plan कर रहे हैं एक child को adopt करने का इसका meaning है कि हम योजना बना रहे हैं एक child को adopt करने की Second sentence is parliament unanimously adopted the committee's proposals. So parliament ने unanimously unanimously होता है सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति से कमिटी के प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया अपना लिया एंड लास्ट थर्ड सेंटेंस इज हैव अडॉप्टेड अ बेबी गर्ल यानी कि उन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है गोद लिया है सो so आज के लिए बस इतना ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो मैं आपको बता दूं ये चल रहा है अप्रैल मंथ इस पूरे मंथ में हम सीखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स स्टार्ट विद ए यानी कि ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हम सीखेंगे अप्रैल मंथ में सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक एंड लर्न इंग्लिश एवरीडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग